ओव्यूलेशन डे के क्या सिम्टम्स होते हैं और मैं अपना ओव्यूलेशन डे कैसे पता करूं? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये क्वेश्चन आए होंगे, इसलिए ही आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आप उस दिन के बारे में कैसे पता लगा सकती हो जिस दिन आपकी ओवरी से अंडा बाहर निकलता है। देखिए, प्रेग्नेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जिस दिन आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाती हो उस दिन आपके पास एग यानी अंडा मौजूद हो, और जिस दिन एक फीमेल का अंडा निकलता है उस दिन फीमेल की बॉडी में कुछ सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं। लेकिन उन सिम्टम्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया है जिससे आप अपना अंडा निकलने वाला दिन कैलकुलेटर और कैलेंडर की हेल्प से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती हो, और ट्रस्ट में वो तरीका 100% जेन्युइन और एकदम एक्यूरेट रिजल्ट बताता है। पर पहले हम बात करते हैं ओव्यूलेशन डे के सिम्टम्स के बारे में। तो ओव्यूलेशन डे वाले दिन बॉडी, मूड, टेम्परेचर और बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स में बहुत सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं। चलो एक एक करके इन सभी चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज बेसल बॉडी टेम्परेचर। जिस दिन आपके पीरियड्स खत्म होते हैं उसके अगले दिन से आपको हर सुबह उठकर अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना है और एक पेपर पर नोट करना है। जिस दिन आपका टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होगा उस दिन आपका ओव्यूलेशन डे होगा, और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने का कारण इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। दरअसल जब अंडा निकलता है तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लो कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की है और आपको 1 जैन को पीरियड स्टार्ट हुए हैं और 7 जैन को पीरियड एंड हुए हैं, तो आपको 8 जैन से हर सुबह अपना बॉडी टेम्परेचर नोट करना है, और आपको अपना बॉडी टेम्परेचर सुबह सुबह उठने के बाद ही नोट करना है। जनरली एक फीमेल का टेम्परेचर 97-97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ओव्यूलेशन डे वाले दिन एक फीमेल का टेम्परेचर 97.6 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट तक होता है। नंबर टू इस म्यूकस डिस्चार्ज। फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज एक कच्चे अंडे जैसा होता है और ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ही वजाइना से ये डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। दरअसल ये म्यूकस डिस्चार्ज स्पर्म्स के लिए ही होता है ताकि स्पर्म्स ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक इजिली ट्रेवल कर सके। तो जब आपकी वजाइना से इस तरह का डिस्चार्ज निकलता है तो आप भी अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन रख सकती हो। नंबर थ्री इज चेंजेस इन सर्विक्स, यानी बच्चेदानी की मुंह की पोजीशन अंडा निकलने वाले दिन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लेकिन आपको अपनी फिंगर से अपने सर्विक्स की पोजीशन को बिल्कुल चेक नहीं करना। अगर आप ऐसा करती हो तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए ही आप फिंगर की हेल्प से अपने सर्विक्स की पोजीशन बिल्कुल चेक मत करिएगा। नंबर फोर इज ब्रेस्ट टेंडरनेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अंडा निकलने के बाद आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू बढ़ जाती है और जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाती है, और साथ ही आपको ब्रेस्ट में पेन भी हो सकता है। तो ब्रेस्ट पेन भी ओव्यूलेशन का एक सिम्टम होता है। इसके बाद स्पॉटिंग ऑन अंडरवेयर और लोअर एब्डोमिनल पेन दो ऐसे सिम्टम्स हैं जो कुछ फीमेल्स में देखे जाते हैं और कुछ फीमेल्स में नहीं देखे जाते। और अब टाइम आ गया है कि हम उस मेथड के बारे में जानें जिसकी वजह से आप बहुत इजीली ये कैलकुलेट कर सकती हो कि आपका ओव्यूलेशन महीने में किस दिन होने वाला है। पर सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, तो इसलिए ही मैं आपको पहले पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। मान लो कि आपका पहला पीरियड 22 जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड 20 फरवरी को आया है, तो इस केस में अगर आप 22 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक सारे डेज काउंट करोगी तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की होगी। चलो मैं आपको काउंट करके भी दिखा देता हूँ, और आप भी अपने घर पर बिल्कुल इसी तरह से अपनी पीरियड साइकिल लेंथ काउंट करना। तो 22 जनवरी को पहला पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 22 जनवरी को हम फर्स्ट डे मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और 20th फरवरी को दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 20th फरवरी को काउंट करने के बाद आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। अब पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद बारी आती है ओव्यूलेशन डे की, यानी अंडा निकलने वाले दिन की।
तो अंडा निकलने वाले दिन को कैलकुलेट करने के लिए हमको पीरियड साइकिल लेंथ में से 14 डेज माइनस करने पड़ेंगे। और हम 14 डेज माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि एक फीमेल का अंडा अगले पीरियड से 14 डेज पहले निकलता है, मतलब एक फीमेल का ओव्यूलेशन डे अगले पीरियड आने से 14 डेज पहले होता है। चलो ये भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो कि आपका पहला पीरियड 22 जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड 20 फरवरी को आया है, तो इस केस में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज की होगी, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही कैलकुलेट करी थी। और ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करने के लिए हमें 30 में से 14 डेज माइनस करने पड़ेंगे, और 30 में से 14 डेज माइनस करने के बाद 16 आएगा, मतलब इस केस में ओव्यूलेशन डे दूसरे पीरियड के 16 डेज बाद आएगा। चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 20th फरवरी को दूसरा पीरियड आया है तो 20th को हम फर्स्ट डे मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी इस केस में आपका ओव्यूलेशन डे 7th मार्च के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में अगर एक महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक महिला को 4th मार्च से लेकर 8th मार्च तक पांचों दिन फिजिकल रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि फीमेल का एग 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है और शुरू के 6 घंटे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसलिए ही ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब फीमेल का एग रिलीज हो तो उस वक्त फीमेल के एग के साथ फ्यूज होने के लिए फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स मौजूद हों।